अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरी लाइफ में हर 2 या 3 महीने बाद एक ऐसा वक्त आता है जहाँ पर मुझे ना चाहते हुए कुछ ऐसा करना पड़ता है जो मेरी फैमिली को अच्छा लगता है। वो है लेकिन शर्त मैंने कुछ ऐसी रख दी थी कि मैं इसको कम नहीं करूँ। सो दिस इज गोइंग टू कीप ऑन ग्रोइंग। आज के दिन का आगाज़ करते हैं। आज बेसिकली मेरी क्लास जो है वो ऑफ थी, तो मैंने क्लास ऑफ है तो आज का फ़ायदा उठाया जाए और आज मैं जाऊँगा इंशाल्लाह नुमाइश चरण की। वहाँ पर जाके जो है इफ्तार डिस्ट्रीब्यूशन होगी और उससे पहले मुझे जाना है लेकिन शहबाज़ कमर्शियल में जाके जो है मैं शहबाज़ कमर्शियल में जाकर जो है मैं इंशाल्लाह वो पैकेट्स बनवाऊँगा इफ्तार के, फिर उसके बाद शाम में जो है वो जाएंगे। अभी वहाँ पर हमारे एक दोस्त भी आ रहे हैं हम, इंशाल्लाह उनसे भी मुलाकात होगी। ओके जी गाइस, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया शहबाज़ कमर्शियल में इफ्तार पैकेट्स का। नाउ जस्ट गॉट बैक होम और नाउ आई हैव टू वेट फॉर 5 PM। 5 बजे जो उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि आपका इंशाल्लाह जितने भी आपके पैकेट्स हैं सारे रेडी हो जाएंगे। तो यस, 5 o'clock आई हेड टूवर्ड्स शहबाज़ कमर्शियल, वहाँ से फिर उनको पिक करूँगा, देन आई हेड टूवर्ड्स नुमाइश चलूँगी इंशाल्लाह। वेदर आज बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का कि आज जो है इतनी गर्मी नहीं है और हवा भी चल रही है। बताइए, वेलकम बैक गाइस। अब हम निकल रहे हैं शहबाज़ के लिए, वहाँ से पैकेज पिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे इंशाल्लाह नुमाइश करूँगी। सो यस, सी यू गाइस। गाइज, अब हम लोगों ने जो है सामान रखवा लिया गाड़ी में, नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स नुमाइश इंशाल्लाह। वहाँ पे जो है फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे। सामान अच्छा खासा है और इंशाल्लाह होपफुली एवरीथिंग गोज वेल। ऊबर ड्राइवर के साथ अभी मैं बैठा हूँ, हमारे कैप्टन साहब हैं। कैप्टन साहब, क्या नाम है आपका? नदीम शेख। नदीम शेख नाम है इनका। आप बहुत बहुत रमज़ान करीम और अल्लाह आपके भी जो है इसमें इजाफा करें। गाइस, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये EMC करके जो है यहाँ पर कोई जो है ट्रस्ट था यहाँ पे, वहाँ पर जो है मैंने लाके बॉक्सेस रखे हैं। नाउ आई एम वेटिंग फॉर हमाद आएगा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे। अभी कोई तकरीबन 5:45 हो रहे हैं, सो वी विल स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग अराउंड 6:15 इंशाल्लाह। कैसा लग रहा है आपको आके यहाँ पर? यार बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरीके के इवेंट्स होने चाहिए। बिल्कुल, एक और रखेंगे इंशाल्लाह, एक और रखना, जरूर क्यों नहीं, होना चाहिए, मदद करनी चाहिए लोगों की। 5-10 मिनट में गाइस हम लोग इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देंगे यहाँ पे, और रश देखें आप अच्छा खासा यहाँ पे हो रहा है। पता नहीं मेरी आवाज़ पहुँच भी पाएगी आप तक या नहीं पहुँच पाएगी। 5-10 मिनट बाद जो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देंगे। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई जस्ट गॉट बैक होम और गला मेरा बिल्कुल चोक हो गया है क्योंकि वहाँ पर जब हमने इफ्तारी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की तो जो हम लोग पैकेजेस दे रहे थे तो उसके अंदर जो पैकेट्स थे हम लोगों के बेसिकली, वो जब इधर उधर से लोग आना शुरू हुए तो मैं और हमारे बिल्कुल लिटरली ज़मीन पर थे, हम लोग गायब हो गए थे हम लोग, और हमारे ऊपर से बॉक्सेज जो है वो क्रॉस हो रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला को पूरी फरमाए, जिस मकसद के लिए गए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ। एंड सो आई जस्ट गॉट बैक होम अप और आई एम गोइंग टू एंड इट हियर। थैंक यू सो मच फॉर टैगिंग अलॉन्ग। आई नो मैं ज़्यादा जो है वो व्लॉगिंग नहीं कर सका वहाँ पे, कोई इतनी खास फुटेज नहीं बन सकी कि रश इतना ज़्यादा था वहाँ पे और फिर डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी। सो या, बट थैंक यू सो मच और एंड थैंक्स टू हमाद। 73 लोगों में से यू आर दी ओनली वन हु बेसिकली कॉन्टेक्टेड मी। कल रात मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था दैट आई बी डिस्ट्रीब्यूटिंग इफ्तार टुमारो एंड इफ एनीवन वांट्स टू टैग अलॉन्ग। सो आउट ऑफ 73 पीपल हु वॉच दैट स्टेटस, हमाद वॉज दी ओनली वन हु केम इन। सो या, थैंक यू सो मच ब्रदर एंड अल्लाह तुम्हारे भी रिस्क के अंदर जो है वो बरकत अता फरमाए और खुश रहो। ऐसे तुम्हारे रहूँ मैं तो जैसे मैं आ मिलूँ कोई। बट या गाइस, एनीवेज, जस्ट रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स एंड आई रिमेंबर यू इन माय प्रेयर और थैंक यू सो मच एंड हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बाय। तस्वीर नहीं है, वीडियो है।